हेलो एवरीवन, गपशप विद रौनक में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ड्रीम इलेवन की टीम बताऊंगा इंडिया वर्सेज बांग्लादेश मैच की। जैसे मैं देख पा रहा हूं कि आज थर्ड T20 है और ये टीम रहेगी मेरी। आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने इंडिया की ज़्यादा प्लेयर्स रखे हैं, बॉलर्स भी बैट्समैन भी, क्योंकि सूटेबल इंडिया के प्लेयर्स लग रहे हैं। अगर बैट्समैन देखा जाए बांग्लादेश के तो लिटन दास, रहीम, सौम्य सरकार परफेक्ट है। टीम तीनों प्लेयर ऊपर आते हैं बैटिंग करने, 1, 2, 1, 3 और 4 में, तो ये मेरा परफेक्ट है। इधर से इंडिया से भी रोहित शर्मा और धवन ओपनर हो गए। राहुल की नहीं लिया मैंने यहाँ पे, श्रेयस अय्यर लिया, और यहाँ पे मैंने चार बॉलर लिए, चाहर, चहल, पांड्या और वाशिंगटन सुंदर। यहाँ पे मैंने उनका लिया इस्लाम को, जो कि इस्लाम जो है जो कि लेफ्ट आर्म सॉरी राइट आर्म लेग स्पिनर है, जो कि विकेट्स ले रहा है, हर मैच में विकेट्स लिए। और कोई मेरे को ऐसा कोई प्लेयर लग नहीं रहा जो सूटेबल रहेगा। महमूदुल्ला को हाँ के लिए ले सकते हैं, लेकिन उनकी जगह नहीं है कहीं। मैं सौम्य सरकार को मैं बिठा नहीं सकता, क्योंकि सौम्य सरकार वन डाउन बैटिंग करने आते हैं और महमूदुल्ला आएंगे थर्ड डाउन बैटिंग करने। तो इससे बेटर है कि आप इसको ले लो। यहाँ पर आप अगर एक चेंज कर सकते हो तो यहाँ पर आप मुस्तफिजुर रहमान को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको किसकी जगह बिठाओगे तो ये भी एक प्रॉब्लम है। रहीम को आपने ज़रूर लेना है। और रही बात कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पे मैं कैप्टन लूँगा रोहित शर्मा को, और वाइस कैप्टन में मेरे को थोड़ा डाउटफुल है। यहाँ पे मैं ले सकता हूँ चहल को, क्योंकि चहल को मैं इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि आज कह रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली विकेट होगी थोड़ी, तो मेरा देखेंगे तो स्पिन अटैक भी ज़्यादा है, तो नागपुर की विकेट स्लो है थोड़ी, बैटिंग फ्रेंडली इतनी नहीं है, और जो बांग्लादेश के प्लेयर है थोड़ा स्पिन कम खेल पा रहे हैं। तो रोहित शर्मा कैप्टन, वाइस कैप्टन मैं चहल को लूँगा। ये मेरी आज की टीम है, और आज रात को 9 बजे भी देखिए गपशप विद रौनक।